कासगंज में जिलाधिकारी मेधा रूपप ने भारी बारिश के बीच ट्रैक्टर पर बैठकर गंगागढ़ गांव की समस्याओं का जायजा लिया। जल भराव को देखकर नाराजगी जताते हुए विकास और पंचायती राज विभाग को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। जयपुर में द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 17 सितंबर को रविंद्र रंगमंच पर सुबह 10 बजे आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7,700 नए कर्मिकों को संबोधित करेंगे, जिसमें जिले के 248 नव चयनित कर्मिक शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। अलवर में RSS प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के लिए निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। 15 सितंबर को वो इंदिरा गांधी खेल मैदान पर संघ सेवकों के एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और 17 सितंबर को पवांटा में महामृत्युंजय महायज्ञ में भाग लेंगे। इस दौरान वो संघ कार्य विस्तार और समाज परिवर्तन पर भी चर्चा करेंगे। झांसी में 2 दिनों से बिजली न आने से परेशान क्षेत्रवासियों ने दातिया गेट पर जाम लगा दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बारिश और बिजली की कमी ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और बिजली विभाग और जनप्रतिनिधियों से कोई मदद नहीं मिल रही है। परसों रात से लाइट नहीं आ रही है, काम नहीं आ रहा। कौन सा क्षेत्र है? गेट अंदर और बाहर दोनों। कितने घंटे हो गए लाइट नहीं आई? अब हम लोग क्या चाहते हैं? और समय पे आए लाइट, जिससे बच्चे बूढ़े कोई परेशान ना हो। पानी नहीं। संभल में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने डायल 112 के होमगार्ड से अभद्रता की और मारपीट की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मेडिकल कराया। आरोपी मुख्तार पहले लूट और गैंगस्टर के मामले में आरोपी रहा है। मामला रजपुरा थाना इलाके के गांव मौलनपुर का है और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले भर के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में आज भी अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 1 से 12 तक की छात्राओं को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी रहेगी। इस दौरान सभी विद्यालयों और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। जिले में लगातार हो रही बारिश की आफत के चलते आंगनवाड़ी केंद्र और जूनियर हाई स्कूल नलाडी में भूस्खलन की जगह जगह परिसरों की दीवारें टूटकर बिखर गए, जिससे स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र के भवनों में दरारें पड़ गई। लगातार हो रही बारिश से विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों को भविष्य में बड़े नुकसान की संभावना जताई जा रही है। चमोली में पिछले 3 दिनों की भारी बारिश ने जिले में जलभराव और भूस्खलन से बड़ी तबाही मचाई है। मोटर मार्ग बंद है और जिला प्रशासन ने सुरक्षित यातायात के लिए पूरी तैयारी की है। पिंडर घाटी में पिंडर नदी के उफान से थराली में स्कूल, मंदिर और मकान जलमग्न हो गए। स्थानीय लोग मदद में लगे हुए हैं, जबकि सरस्वती शिशु मंदिर का फर्नीचर और कागजात बर्बाद हो गए। जी, मैं सरस्वती शिशु मंदिर थराली में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। कल रात को बारिश से 8:30 बजे करीबन पूरा सरस्वती शिशु मंदिर में और भगवान बेतालेश्वर के मंदिर में जल भरा हुआ, तो उसके कारण हमने अपना जो भी हमारा सामान था तो हमने कुछ सामान को बाहर निकाला, परंतु कल रात बारिश थमी और सुबह साफ हुआ। तो कई लेबर, 7-8 लेबर लगवाई वहाँ पे, सारा सफाई सफाई करवाई। फिर करीबन 1:15 बजे पता नहीं इतना पानी कहाँ से बढ़ा, पूरा सरस्वती शिशु मंदिर और बेतालेश्वर मंदिर और पिंडर पब्लिक स्कूल, यहाँ पे पूरा नीचे बाजार जो है पूरा पानी से लबालब हो गया है। ये महोबा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मृतक किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया। 20 साल पहले मृतक किसान ने हाल ही में 4,30,000 रुपए का लोन लिया। जब उसके पोते ने खतौनी की नकल देखी तो पता चला कि दादा की मौत के 20 साल बाद भी लोन लिया गया है। महोबा में बैंक के दलालों की ये काम सभी को हैरान करने वाला है। परिजनों ने मामले की जाँच और कार्यवाही की मांग की है। जानकारी हुई है, मैं इसको शाखा से बात करके क्या हुआ है इसकी जाँच फिर हमारे विभाग से बैंक के द्वारा की जाएगी, और इसमें जिनकी भी गलती हुई है, जिनकी जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो बैंक के नियमानुसार, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी भी इसका संज्ञान में आया है तो मैं इस पे जो है इसकी जांच करा करके आपको पूरी जानकारी दे पाऊंगा। झांसी के माउरानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं ने प्रसव के लिए पैसे मांगने और सरकारी सहायता राशि न मिलने का आरोप लगाया है। 1 साल बाद भी सहायता राशि न मिलने पर उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को शिकायत दी और पैसा लौटाने की मांग की। महिलाओं ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान न होने पर वो जिलाधिकारी से शिकायत करेंगी। मेरा नाम अर्चना आशा है, मैं ग्राम टकटोली से हूँ। क्या परेशानी है? क्या मुझे ये समस्या है? मुझे अधीक्षक साहब से कोई समस्या नहीं है, बल्कि अधीक्षक साहब और BCPM पांडे द्वारा मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैं लाभार्थियों से अवैध वसूली करती हूँ, जो कि यह सरासर गलत है।
आपने इसकी शिकायत की कहीं पर? हाँ, मैंने इसकी शिकायत की साहब से, मैंने सवाल का जवाब मांगा है इससे, मैं सर ये आपने शिकायत की, किसने इसका जवाब चाहिए? तो साहब उन्होंने उल्टे मुझे डांटा है, कह रहे कि नहीं इसका मेरे पास कोई सवाल नहीं है। महुआ में क्रशर प्लांट के सुपरवाइजर के साथ दबंगों ने मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, दबंग युवक प्लांट के अंदर घुसकर गाली गलौज कर रहा था, जिसका विरोध सुपरवाइजर ने किया तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट कर दी।